अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है वरीम और आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एज यू क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की स्टूडेंट हूँ और मेरा डिपार्टमेंट है मैथ्स कम्युनिकेशन। बहुत से लोगों को लगता है कि मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई काम नहीं करते। भाई हम बहुत काम करते हैं, आज मैं आपको वही दिखाऊंगी। वैसे तो आप मेरे ब्लॉग्स में देखते रहते हैं कि हम अपने रोने रोते रहते हैं, असं रोते रहने हैं, तुम सू देखते रहते हो, अभी थोड़ा प्यार है। सो खैर आज हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो है मीडिया स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये एक प्रॉपर ब्लॉग होने वाला है, स्किप नहीं करना। उमर अल हयाम ब्लॉग के सेकंड फ्लोर पे मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट है। अब हम इधर उधर चाती मारे बगैर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे। अब आया प्रॉब्लम, दुल्हन की तरह चलना पड़ता है उसको उठा के, स्टेयर्स के बिल्कुल सामने बॉयज़ का कॉमन रूम है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉयज़ नमाज पढ़ रहे हैं। वैसे मोस्टली लोगों के माइंड में मीडिया में काम करने वाले इवन कि मीडिया स्टूडेंट के बारे में कोई खास अच्छी राय नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करने की कोशिश करूंगी जो आपके मीडिया स्टूडेंट्स के बारे में है। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि मीडिया स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं पड़ता, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अभी हम सर यासिर चुगताई के साथ सोशल मीडिया जर्नलिज्म की क्लास ले रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के ब्लॉग्स बहुत लिखे जाते हैं, ठीक है। चलें जी, हम आपको लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के टीवी स्टूडियो में। ये है हमारा टीवी स्टूडियो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट्स ने कोई वीडियो शूट करनी थी तो वो लोग उसी की तैयारियाँ कर रहे हैं। टीवी स्टूडियो में प्रॉपर एक सेटअप है विद गुड लाइटिंग एंड कैमराज। कैमराज भी हाई क्वालिटी के हैं और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक फुल फ्लैश प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पे लाइव ट्रांसमिशंस भी होती हैं जो कि HGC के ऑफिशियल वेब चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रैक्टिकल लैब है जहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट्स या जो भी टीचर्स की तरफ से उनको काम असाइन किया जाता है वो यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो पे डिपेंड करता है कि उस पे किस तरह का बैकग्राउंड सूट करेगा, लेकिन यहाँ पे एक बैकग्राउंड दिया गया आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप बैकग्राउंड चेंज करें तो आप इस तरह से पीछे ग्रीन कपड़ा लगा लें और फिर एडिटिंग में क्रोमा लगा के आप अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। हेयर यू कैन सी एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और अता की हुडी का कलर भी। और वीडियो चूंकि क्रिकेट और बाबर आजम के बारे में थी तो उसी से रेलिवेंट बैकग्राउंड भी लगा दिया गया। सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग और जैसे कि आपको परिंदों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही होगी और आप ये भी देख सकते हैं कि पीछे अभी तक क्लासरूम्स के दरवाजे भी नहीं खुले हुए, इसलिए क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑफ हैं। हमारा भी वैसे फ्राइडे ऑफ होता है लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ऑन कर दिया क्योंकि आज हमारी एक मेकअप क्लास थी। अब मेकअप क्लासेस की होगी भरमार और इसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट्री का भी काम था तो उसकी तो थोड़ी सी डेट एक्सटेंड हो गई है, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि आज शूट कर लेते हैं, कुछ बाद में शूट कर लेंगे। और अभी मैं बैठ के लिखी हूँ उसकी स्क्रिप्ट हम रिवील नहीं करेंगे, कोई हमारा आइडिया ना चोरी कर ले। मेकअप किट कहाँ पर रखी हुई है? यार देखो, मैं इतनी मेहनत मजदूरी का काम कर रही हूँ तो बंदा मेहनत मजदूरी करते हुए उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं बुरी लगूँ, इसलिए मैं साथ साथ टचअप करती रहूँगी। लिपस्टिक भी लगाऊंगी, नेल पॉलिश मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है तो अगर मेरी उतर जाएगी जैसे कि मीडिया स्टूडेंट का एक काम ये भी है अपने आप को संवार के रखना, अच्छा दिखना, यू नो यू शुड लुक प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव, सो इसलिए करना पड़ता है। दरवाज़ा बड़ा है ये, तो ये है हमारा सब यूसफ बैठे होते हैं और साथ कोई भी टीचर बैठ सकते हैं। बच्चों को यहाँ पे जाना लो नहीं है बगैर काम के, अगर कोई काम हो फिर यहाँ पे दे जा सकते हैं। फिर ऐसे दरवाज़ा इस तरफ से खुलता है ऐसे और फिर आप अंदर जा सकते हैं। ये हम आपको यहाँ से ही दिखाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। वैसे तो हमने सर से परमिशन ली हुई थी कि हमने रेडियो स्टेशन की वीडियो बनानी है। और जी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मौजूद FM रेडियो सिर्फ मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट इन फैक्ट इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ UG। तो जी FM रेडियो में टोटल 3 रिकॉर्डिंग रूम्स हैं, एक मास्टर रिकॉर्डिंग रूम है जिसका माइक और कंसोल मास्टर कंट्रोल रूम के साथ अटैच है। मास्टर रिकॉर्डिंग रूम में जाने से पहले स्टूडेंट्स ने अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है। आप देख सकते हैं इधर सिटिंग एरिया बना हुआ है, स्टूडेंट्स आराम से यहाँ पे बैठ के अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, रिहर्सल कर सकते हैं। FM 106.6 में मोस्टली रिकॉर्डेड और समटाइम्स लाइव प्रोग्राम्स भी चलते हैं। इसके अलावा न्यूज़ बुलेटिन भी लाइव ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं।
अगर नेक्स्ट आपने फील्ड में जाना है तो टीवी स्टूडियो और रेडियो में काम करके आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है तो मेरे ख्याल से आपको उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। और जी ये है मास्टर रिकॉर्डिंग रूम जहाँ पे एक स्टूडेंट सर अरशद का इंटरव्यू कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली, कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हैं। और हम लोग अपने टीचर्स के साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि हमें कोई भी इशू हम बिला झिझक जा के डिस्कस कर लेते हैं। मेहनत ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मेन चीज़ होती है एडिटिंग, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट, स्पेशली वीडियो एडिटिंग, क्योंकि उसमें हमने ट्रांजिशंस, कट्स, GIF, स्टिकर्स और वॉइस ओवर ऐड करना होता है। और वॉइस ओवर करते हुए लिटरली 10 दफ़ा रीटेक लेना पड़ता है। और जी मैथ्स कॉम में बड़े मज़े की एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी जैसे ये आप देख रहे हैं ना, फोटोग्राफी होते हुए ये हमें मिली हुई थी असाइनमेंट फ़ोटो जर्नलिज्म की। इस तरह से हमने जो पिक्चर्स बनाई होती हैं उनको प्रिंट करवा के स्क्रैप बुक पे पेस्ट करनी होती हैं। और जी यहाँ पे PR वालों की अपनी कैंपेन की तैयारियाँ चल रही हैं। इसके बाद हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी से बाहर, क्योंकि हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए यूनिवर्सिटी गेट से एंट्री का एक सीन शूट करना था और ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही स्कूल है। और जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो पहले अंकल ने हमें गेट पर रोका और पूछा, क्या आप लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? और हाय अल्लाह, हमारा तो दिल गड़न गड़न हो गया कि हम इतने छोटे बच्चे लगते हैं। जिस टाइम हमारी लास्ट क्लास थी उस टाइम यहाँ पे कश्मीर डे के हवाले से रैली जा रही थी, तेजी मीडिया वाले पहुँच के फिर उन्होंने कवर करन। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। तो जी इसी के साथ मेरे आज के दिन का और इस वीडियो का होता है इख्तिताम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको मीडिया स्टूडेंट्स की लाइफ, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इनकेस आप मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। मेरी राय तो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन लें। भाई आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है, इनफैक्ट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम होती है। बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।